बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुश पाश होंगे। आज हम जा रहे हैं सोदो वाटर पार्क। और काफी दिनों के बाद हमारा प्लान बना है, गर्मियाँ बहुत ज्यादा है, बच्चे भी रेडी हैं, मैं भी रेडी हूँ, तो मिलते हैं वाटर पार्क जाके। और अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चले उधर के, चले उधर, चले चलो। वाओ, इतनी तेज धूप में सफर करके पहुंचने के बाद सीरियसली ये सारा मंजर देखकर आंखों को सुकून मिल रही है, आंखों को ठंडक मिल रही है, ग्रीनरी और इतना मज़े का पानी देखकर वैसे ही सुपर एक एक्साइटमेंट सी हो रही है कि बस इसके अंदर जल्दी से चले जाएं। और बस थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं कि हमने किस साइड पर जाना है, फैमिली एरिया कुछ जॉइंट फैमिली एरिया है या नहीं है यहाँ पर। और अब यहाँ से मैं और ज़राम सेपरेट हो गए हैं, ज़ुमर और उसके पापा सेपरेट हो गए हैं, वो मेल एरिया में चले गए हैं और मैं और ज़राम आ गए हैं फीमेल एरिया में। अभी ज़राम को मैं अपने साथ रखूँगी और ये सारा है लेडीज़ सेक्शन, लेडीज़ वाटर पार्क एरिया। माशाल्लाह, यहाँ से मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है, हम लोग बहुत छोटे थे, स्कूल के ट्रिप के साथ हम आए थे और यहाँ पर हम लाइन बना कर जा रहे थे। एक बहुत ही अच्छी एक मेमोरेबल जगह है जहाँ मैं अपने स्कूल के बाद अब अपने बच्चों के साथ आ रही हूँ माशाल्लाह से, और वो सारा चीज़ फील करके बहुत अच्छा, एक बहुत पुरसकून लग रहा है। और वैसे भी जब आप ग्रीनरी में आते हैं, नेचर के साथ अटैच होते हैं, तो बहुत ही अच्छी एक अलग किस्म की वाइब आती है आपको। ये जी, अब यहाँ पर आ गए हैं हम चेंजिंग रूम में और मैंने अपनी ड्रेस चेंज कर लिया है क्योंकि पानी में जाना है और ये ड्रेस पहन के मैं पानी में नहीं जा सकती। सो अब अपने हेयर टाई करेंगे और फटाफट से रेडी होकर बाहर चलेंगे। यहाँ पर मैं चेंजिंग रूम से बाहर आ गई हूँ और मेरे पास जो लगेज था उसको मुझे यहाँ पर लॉकर्स हैं यहाँ पर सबमिट कराना पड़ रहा है क्योंकि मैं उसको साथ नहीं लेके जा सकती क्योंकि पूल के बाहर पानी होता है और वैसे भी हम इंजॉय करेंगे कि अपने सामान का ख्याल रखेंगे। सो हमें सामान की टेंशन ना लेनी पड़े इसलिए हम उसको यहाँ पर जमा करा देंगे। और कहाँ जमा कराने में जगह ढूँढ रही थी इस वक्त और ये मुझे लॉकर एरिया मिल गया था और यहाँ पर उनको अपनी हर चीज़ को जमा करवाना पड़ना था। और मेरा वॉलेट भी था, वॉलेट में कुछ कैश था, उन्होंने कहा कि कैश आप अपना काउंट करें और हमें काउंट करवाएं। फिर उसके बाद ये मैंने कैश काउंट करके उनको दे दिया।
अब वो ख़ुद तसल्ली करेंगे, काउंट करेंगे कितना कैश है। फिर उसके बाद उन्होंने मेरा वॉलेट रखा, वॉलेट के एक इनवॉल्प सेपरेट बनाया, उसके ऊपर आपकी अमाउंट लिखी कि कितनी अमाउंट है ऑलरेडी वॉलेट के अंदर, और उसके ऊपर उन्होंने मेरे से सिग्नेचर करवाया। यहाँ मैं सिग्नेचर कर रही हूँ। उन्होंने 100 रुपीज़ चार्ज किए थे, ये मैंने अपना सामान भी दे दिया, और उसके बदले में उन्होंने ये मुझे 2 टोकन समझ लें कि ये दे दिए थे उन्होंने, एक था सामान का और एक था कैश का। इसका रास्ता कहीं और है, पीछे इसका रास्ता तो जरा हम सब जिद कर रहे हैं वो वाली स्लाइड लेने की, वो स्लाइड बहुत ज्यादा ऊंची है। काफी ऊपर है यहाँ पे, मैं जराम साहब को ऊपर छोड़ कर आई हूँ कि मैं स्लाइड बहुत ज़्यादा बड़ी है, मैं रिस्क नहीं ले सकती क्योंकि पानी से बहुत ज़्यादा गैप पर थी। मैं नीचे आई हूँ और मैंने कहा कि मैं आपको आगे से जाके पकड़ लूँगी। ये मैंने बड़े से कैम सेट किया और ये देखिए मैं उसको ऊपर देख रही हूँ और वो मेरे पीछे आ गया कहता है कि वो ऊपर आंटी गार्ड आंटी खड़ी थी, उन्होंने नहीं जाने दिया अकेले में, उनको नहीं पता था कि उनकी मामा नीचे वेट कर रही हैं। मैं आगे कैम सेट करके, मेरा तो हो गया ना मोए मोए हो गया। बांद्री खुद भी इंजॉय नहीं कर रही, मुझे भी इंजॉय नहीं करने दे रहा। मैं इतनी क्या ऊपर करूं, खुद भी इंजॉय नहीं कर रहा, मुझे भी इंजॉय नहीं करने दे रहा। मैंने कोई चाइल्ड नहीं लिया, I try and try and try, still it's no use.
अपने बेटे माँ के लिए खाना लेके लाए। अच्छा माशाल्लाह जरा मेरे पास था तो वो मेरे साथ साथ था, जहाँ मैं कह रही थी वहीं जा रहा था, जैसे मैं कह रही थी वैसे कर रहा था। लेकिन ये छोटू साहब तो मेरे बिल्कुल भी काबू नहीं आ रहे हैं। इसने जस्ट ये देखा है कि प्ले एरिया यहाँ पर है और यकीन करें कि मैं इसको पकड़ रही हूँ और ये मेरे से हाथ छुड़ा के आगे आगे जा रहा है। मुझे ये डर लग रहा है कि पानी इतना ज़्यादा है, बच्चे कभी नहीं आए पानी में, थोड़ा सा कोई बच्चों को एक्सपीरियंस हो ना तो टेंशन नहीं होती है। लेकिन ये छोटू साहब तो माशाल्लाह से मेरे काबू ही नहीं आ रहे हैं। हर स्लाइड ट्राई की है, हर साइड पर गया है, जो कुछ भी यहाँ पर इसमें जो पूल के अंदर इनके झूले बने हुए हैं, हर जगह माशाल्लाह से ट्राई की। और देखें माशाल्लाह कॉन्फिडेंटली ये इंजॉय कर रहा है, बिल्कुल इसको टेंशन ही नहीं है। मैं बुलाती हूँ, ओ माय गॉड, ये देखें ज़रा कैसे ये मज़े से स्विमिंग कर रहा है और रिवर्स जा रहा है। असल में काफ़ी दिन से, दो दिन से तकरीबन मैं ऐसे ही सडन मेरे मुंह से निकला कि आपने पूल जाना है, पूल वाटर पार्क जाना है, तो बस यहाँ से ये पक्का हो गया। और मेरे तो जेन में भी नहीं था कि सोजो वाटर पार्क का हमारा कोई प्लान बन जाएगा। बच्चों ने बस शोर मचाया हुआ था कि हम लोगों ने जाना है जाना है। सराम के एग्ज़ाम्स हो रहे थे जिसकी वजह से जो है ना मेरा कोई भी फ़िलहाल प्लान नहीं बन पा रहा था कि मैं बच्चों को बाहर लेके जाऊँ। ऊपर से गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, फिर सडन जो है वो वीकेंड में हम लोगों का प्लान बन गया कि हम लोग जाएंगे, संडे को जाएंगे, सैटरडे को जाएंगे, वाटर पार्क जाएंगे। बस बच्चे भी पक्के हो गए क्योंकि जराम के एग्ज़ाम्स में दो छुट्टियां आ गई थी, तो फिर हमने कहा कि चलो जी इसकी तैयारी है पेपर की तो हम चले चलते हैं। और माशाल्लाह इधर आकर तो मेरा वाकई में मुझे फ़ील हो रहा था कि बहुत अच्छा मेरा प्लान था और मैंने खुद इंजॉय बहुत किया माशाल्लाह हर चीज़। वो माय गॉड देखे किस कदर हर बंदा यहाँ पर इंजॉय करे। निकलना चाहिए अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ निकलना चाहिए, अपनी लाइफ को भी इंजॉय करना चाहिए। बंदा हर वक्त क्या घर के अंदर ही कैद रहे, तो आप भी जाया करें अपनी फैमिली के साथ, इंजॉय किया करें और अपनी हैप्पी मोमेंट शेयर किया करें। मेरी वीडियो को ज़रूर आप लोगों ने लाइक करना है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि और मज़ीद मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाती रहूँ। और जब कोई वीडियो लाइक आप करते हैं और फिर चैनल सब्सक्राइब करते हैं, जब जैसे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो आपके अंदर एक और मोटिवेशन पैदा होती है, आपके अंदर और मज़ा आता है, आप और अच्छी अच्छी वीडियोस की तरफ आते हैं। तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और वीडियोस को नहीं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा।